दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए आम आदमी पार्टी ने चलाया जागरूकता अभियान। वीडियो में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मास्टर मंजीत व तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नजफगढ़ के सोमवार बाजार में लोगों को मास्क बांट रहे हैं व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी की थीम पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजफगढ़ सोमवार बाजार में मास्क बांटते हुए नजर आए और लोगों को जागरूक भी किया कोरोना से बचाव के प्रति। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, आम जन को जागरूक करने के लिए यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मास्क पहनने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। इसमें रोहित गहलोत जी हैं, मास्टर मंजीत जी, संजय राठी जी, जो तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। नजफगढ़ के सोमवार बाजार में मैं मौजूद हूँ। त्योहारी सीजन है, शादी ब्याह का सीजन है, भीड़ आप देख सकते हैं, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। और दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। मास्टर जी, किस तरह का कैंपेन है और कितने मास्क आप बांट रहे हैं? देखिए, सीएम साहब केजरीवाल जी का आदेश है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी और दो गज की जरूरी। लोगों को साथ साथ हम अवेयर भी कर रहे हैं कि भाई आप मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि ये महामारी जो है अब तेज गति पकड़ती जा रही है। तो श्री कैलाश जी गहलोत जी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनके आदेश पर हमारी पूरी टीम जो मंत्री जी के कार्यालय से और सभी कार्यकर्ता संगठन की तरफ से आज सोमवार बाजार में मास्क बांटने के लिए पहुंचे हैं। और मास्क लगाना संजय भाई बहुत जरूरी है ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। जी हाँ, कोरोना से लड़ा जा सकता है, कोरोना से मुकाबला किया जा सकता है, बशर्ते कि आप जागरूक हो, लोगों को प्रेरित किया जाए मास्क पहने और आवश्यक है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सतीश भाई, क्या कहेंगे, आज आप पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और मास्क वितरण कर रहे हैं। सीएम साहब के आदेश के अनुसार मंत्री जी का हमें फोन आया, भाई आप लोगों को, पब्लिक को अवेयर करना है, कोरोना एक भयंकर महामारी का रूप ले चुकी है, इससे बचने के लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सभी को मास्क लगाना है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी साथी कार्यकर्ता नजफगढ़ सोम बाजार में उपस्थित हैं और सभी को जागरूक भी कर रहे हैं और मास्क बांट रहे हैं। सभी बाजार में महिलाओं की संख्या बड़ी ज़्यादा होती है, तो किस तरह से आप उनको प्रेरित कर रहे हैं मास्क पहनने के लिए? उनको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले अपने बच्चों अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना उनको मास्क लगाइए और दो गज की दूरी पर अगर परिवार में बाजार में अगर वो जा रहे हैं तो दो गज की दूरी का अपना ध्यान रख करके चलिए, अपना सैनिटाइजर लगाइए, साथ लेके रखें, जहाँ जाए अपना सैनिटाइजर यूज करें और दो गज की जरूरी और मास्क बहुत जरूरी है लगाना। ये कब तक मुहिम चलेगी? ये लगातार हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी की तरफ से पूरे नजफगढ़ में मास्क फ्री बांटे जाएंगे और लगातार हम इस मुहिम को कम से कम 6-7 दिन तक जारी रखेंगे। ये हमें सभी को माननीय मंत्री जी के ऑफिस से सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मास्क बांटने के लिए दिए गए हैं और हम लोगों को लगातार 6-7-10 दिन तक इस मास्कों को बांटेंगे और उन्हें इस बीमारी के प्रति जागरूक भी करेंगे और सभी को जो है मंत्री जी की तरफ से एक त्यौहार के रूप में, एक अवेयरनेस के रूप में सभी को फ्री मास्क दिए जाएंगे। जी हाँ, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पहल की है दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने, उनका विधानसभा क्षेत्र भी है नजफगढ़ और नजफगढ़ के सोमवार बाजार से यह शुरुआत की गई है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? अध्यक्ष जी, ये मंत्री जी की तरफ से आदेश मिला है कि ये अवेयरनेस बढ़ाओ इसको, क्योंकि रोजाना के नए केसेस की मात्रा, ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उस वजह से एक खतरा महसूस हो रहा था हमें। तो सभी को, तो सबसे पहले तो हम खुद मास्क लगा के ही जाते हैं, ध्यान भी बात करते हैं, तो ताकि हम ये दिखाएं कि हम भी ये काम कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस तो अभी भी आई है, काफ़ी आई है और हम प्रयास करेंगे, जैसा कि हमारे मास्टर जी ने, मंजीत जी ने कहा है और राठी जी ने कहा है कि भाई अभी इसको बढ़ाएंगे इस जोन में। जी हाँ, कोरोना से लड़ा जा सकता है, बार बार यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना से लड़ा जा सकता है, बशर्ते कि हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझें। मास्टर जी, नजफगढ़ जो है वो आपको पता है विधानसभा क्षेत्र है, काफ़ी गांव यहाँ से जुड़े हुए हैं, खरीदारी करने बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, तो किस तरह से आप बांट पाएंगे मास्क, क्या आपने प्रोफाइल बनाया है? देखिए, माननीय मंत्री जी कैलाश गहलोत जी का आदेश है कि हम सबसे पहले अपनी पूरी टीम को जो है अलग अलग भागों में बांटें
तो ये आपको सोमवार बाजार की टीम दिखाई दे रही है। पूरे नजफगढ़ में इस तरह से लोग जो है मास्क बांटने के लिए पहुंचे हुए हैं, और इसी तरह से हम पूरे एरिया को, सबसे पहले क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग उठ करके या नजफगढ़ शहर में आते हैं, तो यहाँ अवेयरनेस भी होगी, उनको समझाया भी जा सकता है और उनको मास्क भी बांटा जा सकता है। तो हम सबसे पहले नजफगढ़ और इसके सराउंडिंग जो कॉलोनीज हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क बांटेंगे और उनको अवेयर करेंगे, इस बीमारी के प्रति सचेत करेंगे और उनको समझाएंगे कि इस बीमारी से बचा जा सकता है, बशर्ते 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये इन शर्तों के साथ। क्योंकि जो मास्क का चालान की जो बात की गई है वो इसलिए की गई है कि ताकि लोग अवेयर हो सकें, समझ सकें कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे फ्री मास्क बांटे जाएं।